Assalamu alaikum, this is Hiba Awais, Independent Director of Film Pakistan. आज मैं दोबारा से आप लोगों के साथ आई हूँ और शेयर करूँगी अपना रिव्यू अबाउट माई समर स्किन केयर रूटीन, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समर्स में अपनी स्किन को बहुत अच्छे से ट्रीट करें, उसका केयर करें, जैसे कि हम अपने सेहत का करते हैं. तो माई सेहत की सबसे पहली जो चीज़ है जिसका हमें सबसे पहला ख्याल रखना चाहिए, दैट इज़ आवर स्किन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. मेरी जो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी स्किन टाइप बेसिकली ऑयली है और ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, कभी ऑयल आता है कभी नहीं आता, और साथ साथ कभी कभार इफ़ आई डोंट केयर अबाउट माई स्किन और मैं रूटीन को फॉलो ना करूँ तो एक्ने आ जाती है एक आध. साथ साथ आई माई एज इज़ 30 और उसकी वजह से आई हैव स्टार्टेड सम एंटी एजिंग रेंज, जिसमें से मैं आपको बताऊँगी कि मैं सिंपल स्किन केयर रूटीन क्या फॉलो कर रही हूँ. ये है मैं हमारा क्लेंजर, आई हैव हेयर ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस जेल वॉश एंड हाइड्रा रेडियंस फेशियल टोनर. ये मेरे दोनों चीज़ें वो हैं जो मैं डेली बेसिस पे जब भी फेस वॉश करना होता है आई डू माई फेस वॉश विद दिस क्लेंजर एंड अप्लाई आफ्टरवर्ड्स टोनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समर्स में आपके स्किन का पीएच लेवल बरकरार रखने के लिए. अच्छा, क्लेंजर की प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये बेसिकली 2-in-1 होता है. इसमें हमारे पास क्लेंजिंग जब हम फेस को 2 से 3 मिनट तक का मसाज करते हैं तो दिस फेस वॉश कन्वर्ट्स इनटू क्लेंजिंग फॉर प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद ये हम नॉर्मली फेस वॉश करें तो हम फेस वॉश कर सकते हैं सर. अच्छा, देन जब हम क्लेंजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, तो मॉर्निंग में जो मेरी प्रॉपर रूटीन है, इसके बाद टोनर अप्लाई करने के बाद आई यूज़ माई सिरम, एंड सिरम इज़ दिस सिरम इज़ ए कॉलेजन सिरम, जो कि मेरी स्किन के एक्नी के जो तो थोड़े बहुत स्कार्स हैं उसको रिकवर करेगा, न्यू स्किन रीबिल्ड करता है, ये स्कार्स को प्रॉपरली करेक्ट कर देता है और स्किन के जो एजिंग साइंस होते हैं उसको बहुत अच्छे से रीट्रीट करता है. इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, तकरीबन मैं 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड अमेजिंग रिजल्ट आई हैड गॉट. उसके बाद आई एम यूजिंग माई डे क्रीम, जिसमें SPF मौजूद है एंड कॉलेजन की ही डे क्रीम है. इसमें SPF की सबसे बेस्ट पार्ट ये मैं आपको बताती चलूँ, हमारे हम लोगों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम सन प्रोटेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करें, तो बेसिकली SPF वाली प्रोडक्ट्स डे में इस्तेमाल करनी चाहिए, स्पेशली डे क्रीम ऐसी जो आपकी स्किन को एक तो हाइड्रेटेड रखता है, दूसरा ये कि जो सन के रेजेज आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रिफ्लेक्शन होते हैं, वो बेसिकली हमारी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं. जो हमारी जो ये क्रीम्स हैं जिसमें SPF होता है वो प्रोटेक्ट करता है. साथ साथ मेरी डेली जो मॉर्निंग रूटीन है उसमें आई डू माई एक्सरसाइज नाश्ते से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन ऑल्सो, जो आपके स्किन को बूस्ट करता है, जो एक्स्ट्रा डर्ट होती है, पोल्यूशन होती है, उसको वाइप ऑफ कर देता है और इट गिव्स अमेजिंग ग्लो, पूरा दिन बहुत अमेजिंग ग्लो करता है. साथ साथ आप मेंटली और फिजिकली भी फ्रेश रहते हैं. तो दिस वॉज माई डेली रूटीन, मॉर्निंग डेली रूटीन. आई होप आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा. डू वॉच माई नाइट रूटीन एंड माई वीकली एंड मंथली रूटीन, वेट फॉर दोज वीडियोज़ टू. और इंशाल्लाह कोई भी सजेशंस हो, कोई भी आपको सवाल करना हो रिगार्डिंग योर हेयर्स, योर स्किन, स्पेशली स्किन केयर रूटीन को अगर आपको सजेस्ट करवाना हो तो यू कैन इनबॉक्स मी और कमेंट मी. फॉलो माई पेज गपशप विद हिबा अवैस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हिबा अवैस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब माई चैनल यूट्यूब चैनल हिबा अवैस. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह विल बी बैक अगेन विद माई नाइट केयर रूटीन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.